हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्य फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लीटेड बेल स्लीव लेकर के आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसके लिए बाजू कट कर लिया है और ये देखिए साथ में हमें चाहिए एक पट्टी। पट्टी की जो लेंथ है, ये देखिए, जो मैंने पट्टी जिसका हम बेल नीचे बनाएंगे उसकी जो लेंथ है वो मैंने डबल ली है। जितनी हमारी बाजू की मोरी है उससे आपने डबल इसकी लेंथ काटनी है। और ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 8 इंच। तो आपकी जितनी भी बाजू आप लेंथ लेना चाहते हो, चाहे आप कोहनी तक लेना चाहते हो या फिर आप पूरी बाजू बनाना चाहते हो, उससे आपने -7 इंच कर लेना है। तो आप देखिए, साथ में हम एक और डिफरेंट कलर की पट्टी काटेंगे। उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी हुई है। एक हम बाजू की मोरी जितनी है उसके बराबर काटेंगे और एक हम पट्टी जो हम प्लीटेड बेल जिसका बनाएंगे उसकी लेंथ के बराबर हमने लेनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जो जिसका हम बेल बनाएंगे नीचे वो हम लेंगे, ये देखिए उसको हम लेंगे और उस पर हम ये पट्टी लगाएंगे। ये मैंने रॉन्ग साइड है मेरी ऊपर की तरफ को, तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर पहले इस पर सिलाई लगाएंगे, आगे स्ट्रेट इसको इस तरह से आगे तक सिलाई लगा लेंगे। ये जो देखिए जो बेल हम बनाएंगे उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है। अब मैं नाखून से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर रही हूँ, उससे फिर अच्छी सी फिनिशिंग आती है हमारी। अब हम इसको राइट साइड की तरफ को टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से राइट साइड है हमारी, इस तरफ को हम टर्न करेंगे इसको और इसको देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए यूं हम आगे इस तरह से रखेंगे। तो ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी, नीचे की तरफ मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, ऊपर की तरफ ही यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है हमारी। तो इस तरह से देखिए आप भी लगा लीजिए ये। अगर आपको सीखने में कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए, तो मेरी पट्टी यहाँ पर लग गई है नीचे। अब हम दूसरी तरफ से देखिए इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी प्लीट्स हम डालेंगे या हम नाइफ प्लीट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से जो प्लीट्स हम सलवार पर डालते हैं वही प्लीट्स मैं यहाँ पर भी डाल रही हूँ और बहुत ही स्मॉल स्मॉल प्लीट्स हमने डालनी है। ये देख लीजिए, छोटी छोटी प्लीट्स हम डालेंगे, हल्की थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे ये। इस तरह से हम पूरे बाजू में प्लीट्स डालेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लीव हमारा बनेगा ये। फिर ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर प्लीट्स अपनी डाल ली और ये इसका लुक है इस तरह से। अब हम इसको बाजू के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, बाजू हम इस तरह से रखेंगे, मोरी की तरफ नीचे की तरफ को रखेंगे और ये देखिए रॉन्ग साइड है मेरी ऊपर की तरफ को और राइट साइड नीचे की तरफ को रखनी है हमने। दोनों राइट से राइट मिलानी है, अंदर की तरफ को हमारी राइट साइड रहेगी पट्टी की भी और बाजू की भी। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे एक। आधा इंच मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। अगर देखिए आपका बाजू बढ़ जाता है तो फिर आप नीचे से चुन्नट निकाल सकते हो, एक जो प्लीट्स है उसको निकाल सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमने अपना बाजू यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, बेल वाला हिस्सा नीचे। और अब देखिए, जो पट्टी हमने दूसरी काट के रखी हुई है, जो बाजू की मोरी की लेंथ के बराबर काट के रखी हुई है, उसको देखिए हमने यूं फोल्ड करना है। स्ट्रेट पट्टी है ये और रेब पट्टी नहीं है। इस तरह से देखिए हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और अंदर हम ये दबाएंगे इस तरह से और इसको अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमने यहाँ से इसको लगाना है और इस पे देखिए सिलाई हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ को करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नीचे से सिलाई लगाएंगे पहले, फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बढ़ रही है उसको मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ और यहाँ से दूसरी तरफ को भी मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ऊपर की तरफ हम सिलाई पूरी सिलाई लगा लेंगे आगे तक। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी आप सीखना चाहते हो,
इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए ये पट्टी भी ज्वाइन कर ली। अब हम बाजू को फोल्ड करेंगे, बाजू को हमने फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। और आगे से देखिए हम इसको पूरा मार्क करेंगे, पहले आप पूरा बराबर इसको कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए 1 इंच मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पर इसको सिलाई लगाऊंगी। ऊपर यहाँ से फिटिंग की जो सिलाई है, जो भी आपने ड्राफ्टिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। हल्की सी कर्व शेप यहाँ से हम देंगे, तो जो मशीन में मैं आपको दिखाती हूँ अभी इस तरह से। और जो पट्टी हमने ऊपर रखी है उसको आपको बिल्कुल बराबर रखना है, आगे पीछे आपकी पट्टी नहीं आनी चाहिए। जो ऊपर हमने मोरी के पास जो लगाई हुई है इस तरह से, आपको पूरी ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए मेरा बाजू यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको आप बनाइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। अब तक